मेडिकल कॉलेज में तो फी बहुत कम लगता है ये मुझे भी पता है आपको भी पता एक है एक लाख में पूरा का पूरा एम बी बी एस आपका ये पैसा भी कहाँ से आ सकता है मतलब जीरो रुपीज में कर रहे हो कि रुपीज में मैं दिखाऊंगा ये तो खर्चा आ जाएगा बुक ये कोई नहीं बताता है मैं बता रहा हूँ सुनो ये है मेरा आईपैड है मैं यूज करता हूँ अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप मिलता है पांच लाख आपने एम बी बी एस में इन्वेस्ट करा दो लाख चालीस हजार यहाँ से रिटर्न मिल गया तो खर्चा कितना हुआ Is final year of Here, आज के इस वीडियो में बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ जो कि बहुत लोगों के माइंड में होता है कि भैया हम मेडिकल कॉलेज आ गए हैं मेडिकल कॉलेज में हम है और हमारे मेडिकल कॉलेज में कितना खर्चा होगा इसके पीछे का मिथ क्या और कॉम्प्रोमाइज पूरे पूरे कर सकते हो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके दिमाग में ये थॉट है आपने बहुत मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में आ गया लेकिन अब आपका फैमिली यहां पे पिछड़ रहा है तो यार लास्ट में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि आखिर हमारे पास स्कॉलरशिप का क्या क्या ऑप्शन होता है वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यार वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है बहुत ही होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में तुम मोटिवेट होने वाले हो अगर तुम नीट स्टूडेंट हो तुम बहुत ही ज्यादा इस वीडियो में मोटिवेट होने वाले हो

लेकिन अदर चार्जेस क्या है वो चीज मैं बताऊंगा सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज का फी है ना ये हमारे कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा इसका फोटो अब इसमें क्या है ना कि वन ईयर का यहां पे लिखा है टू टू नाइन फोर जीरो मतलब अप्रोक्स ये हमारे कॉलेज का है टू टू नाइन फोर जीरो यहां पे यहाँ पे दो ईयर का लिखा हुआ है फोर फाइव सिक्स एट जीरो क्योंकि ये हम लोग का कोरोना वाला बैच था हम लोग एक साल घर पे रहे तो उसका भी पैसा इन लोगों ने लिया है और टू टू एट फोर जीरो और टू टू एट फोर जीरो मेरा पूरे चार साल का मतलब पूरे एमबीबीएस का बोल सकते हैं फी स्ट्रक्चर है और ये तो वैसे बाईस हजार करके है ये मतलब टू ईयर का फी हम लोग का लगा था ये आ, आ, कोरोना के समय में था आप लोग के साथ नहीं लगेगा मतलब यार वी कैन से कि अगर पच्चीस हजार वन ईयर का लग रहा है फी तो पूरे एमबीबीएस को करने में हमें कितना खर्चा लाएगा? एक लाख में हो जाएगा ना एक लाख में पूरा का पूरा एमबीबीएस आपका हो जाएगा ठीक है याद रखना इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऑप्शंस भी दिखाऊंगा कि ये पैसा भी कहां से आ सकता है मतलब आप जीरो रुपीज में एमबीबीएस कर रहे हो जीरो रुपीज में मैं दिखाऊंगा ठीक है कैसे होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस करना चाहते हो तो आपको पचास लाख से एक करोड़ का खर्च पड़ सकता है अगर आप सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हो तो आपको आठ लाख से 9 लाख का खर्च पड़ सकता है पूरे एमबीबीएस का कॉलेज का फी सिर्फ कॉलेज का फी और अगर आप मेहनत करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ जाते हो तो आपका खर्च एक से दो लाख में पूरा का पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा मतलब ये कॉलेज फी है है ना यार ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशन मेहनत करने के लिए आई थिंक आप लोगों के लिए अगर आप एस्पिरेंट हो तो अब हम बता रहे हैं दूसरा चीज है ना ये हिडन है बुक्स का खर्चा ये जो बुक्स देख रहे हो ना यार ये पूरे में पढ़ने हैं है ना पूरे के पूरे एमबीबीएस में पढ़ने हैं और इसमें हमारे पास टोटल नाइनटीन सब्जेक्ट्स होते हैं एकदम तो मजे की बात बताऊ ये सारे बुक हमें खरीदने नहीं होते इसमें बहुत सारे बुक्स ऐसे होते हैं जो हम सीनियर से मांग लेते हैं सीनियर से मांग लेते हैं कॉलेज के लाइब्रेरीज में हम ले लेते हैं लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में तो आपको सारे के सारे बुक खरीदने पड़ेंगे कुछ बुक्स होंगे जो आप अगर आपका दोस्त वोस्त है सीनियर तो वो आपको दे देंगे लेकिन मैक्सिमम बुक आपको खरीदना पड़ेगा तो अगर आप बुक्स परचेज करते हो तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं रईडिया छह से सात हजार में आपका फर्स्ट ईयर का तीन सब्जेक्ट का बुक हो जाएगा छह से सात हजार में आपका सेकेंड ईयर का तीन सब्जेक्ट का बुक हो जाएगा पांच से छः में आपका थर्ड ईयर का बुक हो जाएगा और फोर्थ ईयर में ना नौ no सब्जेक्ट है है ठीक फोर्थ ईयर में नौ no सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट के बुक मोटे मोटे भी है यार देखो ना ये फोर्थ ईयर का बुक है ये फोर्थ ईयर का बुक है ये फोर्थ ईयर का बुक है का बुक है है ना फोर्थ ईयर में बहुत सारा बड़ा बड़ा सब्जेक्ट ठीक है थीके? बड़ा बड़ा सब्जेक्ट का बुक, बुक्स भी बहुत मोटे मोटे है तो यहाँ पे आपको मतलब अप्रोक्स कैन से चौबीस हजार के अप्रोक्स आपका लगेगा बुक्स में मतलब अप एंड डाउन होगा लेकिन ये अप्रोक्स आपका खर्चा आ जाएगा बुक में अब मैं आपको बता रहा हूँ सुनना ध्यान से नीट पीजी का प्रिपरेशन ना बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से करने लगते हैं मतलब मेडिकल कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर से नीट पीजी में लग जाते हैं सबसे बड़ा खर्चा होता है यहाँ पे लेक्चर्स में आजकल जो लोग पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो पीजी के प्रिपरेशन बहुत सारे प्लेटफॉर्म से करते हैं ठीक ठीक है और बहुत सारे नीट यूजी वाले बच्चे होते हैं जो पीडब्लू से पढ़ते हैं तो यहाँ भी आपका पीडब्ल्यू आ चुका है ना पीडब्ल्यू मतलब फिजिक्स वाला आपका यहाँ भी आ चुका है पीडब्ल्यू मेड एड लेके पीडब्ल्यू मेड एड और जिसका प्राइस बहुत कम है मैं बता रहा हूं पीडब्ल्यू मेडेड में आ, मतलब सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर नोट्स भी मिलेंगे लेक्चर्स भी मिलेंगे अगर आप इंटर्न स्टूडेंट हो पोस्ट इंटर्न हो और फाइनल ईयर को जैसे मेरे तरह अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स वाला अभी लॉन्च किया है रैपिड रिवीजन

मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा और इसके साथ हर वीडियो लेक्चर के बाद आपको क्लास नोट्स भी मिलेगा जिससे कि आपका नोट्स बनाने का टाइम ही बच जाएगा और यार यहां पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं स्मार्ट तरीका से पढ़ाते हैं जिससे क्या होता है लर्निंग बहुत इंटरेक्टिव हो जाता है फन वे में हो जाता है तो यार ये चीज बहुत बढ़िया है तो अगर आप फिजिक्स वाला से पढ़ाई करना चाहते हो नीट पीजी का तो आप कर सकते हो अगर आप कोई बैच को परचेज कर सकते हो या फिर यही बैच को अगर आप परचेज करते हो ना तो यहां पे आपको पांच परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज कर लेते हो ठीक है तो आई थिंक ये चीज तुम्हारे लिए इंफॉर्मेटिव रहा अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सब्सक्रिप्शन का चार्जेस कितना पड़ जाता है मेडिकल कॉलेज में तो यार फर्स्ट ईयर का देखो अप्रोक्स आठ से नौ हजार लग जाता है आठ से नौ हजार फर्स्ट ईयर का लगता है है ना सेकंड ईयर का भी इतना ही अप्रोक्स रहता है मैं ओवरऑल बात करूँ ना ओवरऑल में बात करूँ तो यार मतलब चालीस से पचास हजार ठीक है चालीस से पचास हजार आपका कोचिंग में चला जाएगा एमबीबीएस में चालीस से पचास हजार आपका कोचिंग में चला जाएगा और ये एक साल का नहीं है पांच साल का ठीक है पांच साल का चालीस से पचास ठीक है मतलब पांच साल का सब्जेक्ट पढ़ सकते हो इसमें यह मैं बता रहा हूं चौबीस हजार के अप्रोक्स आपका लगेगा बुक्स में मतलब अप एंड डाउन होगा लेकिन ये अप्रोक्स आपका खर्चा आ जाएगा बुक में अब मैं आपको बता रहा हूँ सुनना ध्यान से ये तो मैंने बता दिया आपको है ना एक्स्ट्रा खर्चा ये सबसे बड़ा है ये कोई नहीं बताता है मैं बता रहा हूं सुनो मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने का खर्चा आपको स्टीटोस्कोप खुद का खरीदना पड़ेगा आपको स्विग्नो मैनोमीटर खरीदना पड़ेगा बीपी मेजर करने के लिए ठीक है तो इसमें आपका कुछ खर्चे अगर आप अच्छा वाला स्टीटोस्कोप खरीदोगे तो छह सात हजार लग जाएगा लेकिन सस्ता हुआ में काम चलाना चाहोगे और हम लोग यार सस्ता हुआ में काम चला लेते हैं ठीक है तो दो तीन हजार में तुम्हारा काम हो जाएगा आईपेड अ टैबलेट देखो ये चीज मैंडेटरी होता है मैं नहीं बोलूंगा कि यार फोन में करो क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा ऐसे पांच साल तक चलाना है तो आईपैड या फिर टैबलेट खरीदना पड़ेगा अगर आप टैबलेट से काम चलाते हो तो पच्चीस हजार मेरे पास भी है ये ये देखो ना है है मेरा है, मैं यूज करता हूं ठीक है? ये, तो ये तो मैंने पचास हजार में खरीदा था फिफ्टी थाउजेंड मुझे लगा था तो इसका कॉस्ट पच्चीस से पचास हजार में तुम्हारा हो जाएगा ठीक है एक चीज मैं बता रहा हूं बाइक या साइकिल देखो यार फर्स्ट ईयर में तुम काम चला लोगे लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर इसमें क्या होता है कि हम लोग को क्लिनिकल पोस्टिंग में जाना होता है वहाँ पर हम पैदल नहीं जा सकते क्योंकि हर रोज का काम है वो तो बाइक या फिर साइकिल लोग खरीदते ही हैं कॉलेज में आके और अगर आप साइकिल खरीदोगे तो छः हज़ार में काम चल जाएगा अगर आप बाइक खरीदोगे तो यार बाइक तो अच्छा खरीदोगे ना तो दो लाख तो लगेंगे ही ये हिडन खर्चा है जो कोई नहीं बताता ये लगता है और रूम डेकोरेशन का मैं बता रहा हूँ मेरे रूम में मैंने खुद पर्सनली एक ए लगवा रखा है और एक फ्रिज भी मैंने रखा है अगर तुम करना चाहो तो करो नहीं करना चाहो तो नहीं करो बाकी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है मैंने बताया कॉम्प्रोमाइज और मैनेज ये तुम पे डिपेंड करता है ठीक है मेस का चार्जेस हाँ ये बहुत बड़ा चीज बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि मेस फैसिलिटी कॉलेज के तरफ से होता है ठीक है उसमें फूड का चार्ज इंक्लूडेड होता है कॉलेज में लेकिन बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि मेस बाहर से होता है उसमें फूड का चार्ज अलग से आपको पे करना होता है ठीक है तो वो अगर आप 2500 या फिर 3000 2500 या फिर 3000 आपका फूड का चार्जेस लग जाएगा मैंने अप्रॉक्स बोल रखा है कि पूरे पांच साल में आपका दो लाख सिर्फ खाने पीने में चल जाएगा वैसे भी समय भी बहुत बड़ा यार पांच साल दो लाख में पांच साल खाओगे ठीक है तो ये आपका खर्चा आ जाएगा अदर खर्चा ये भी है कि कॉलेज में आने के बाद ना लोग बहुत सारे ट्रिप्स पे जाते हैं तो ट्रिप्स पे जाओगे तो वहां पे खर्चा और जाते ही है यार, पूरे पांच साल में ना एक ना एक साल तुम जाओगे ही टिप्स का खर्चा दूसरा पार्टी का देखो यार तुम जूनियर हो तो जूनियर हो तो जूनियर से पार्टी ले लो सीनियर से लेकिन जब सीनियर बनोगे तो जूनियर को पार्टी देना पड़ेगा ठीक है तो ये चीज का खर्चा जूनियर को पार्टी देना पर्सनल पार्टी आपस में दोस्तों में ठीक है फ्रेंडशिप में और गलती से अगर ये चीज में फंस गए समझ लो अगर गलती से रिलेशनशिप में फंस गए कॉलेज में आके लड़का हो या लड़की मैं दोनों का बता रहा हूँ आपस में खर्चा होता है लड़की भी गिफ्ट करती है लड़का को और लड़का भी गिफ्ट करता है लड़की को ठीक है कॉलेज में इधर होता है मतलब लेन देन चलता है ठीक है आप गिफ्ट कर रहे हो और आपको नहीं मिला तो आप उदास है ना वो गिफ्ट कर रही है और आप गिफ्ट नहीं किए तो वो उदास ठीक है इसलिए सब कुछ आपस में होता है कभी वो पार्टी दे देगी तो कभी आपको पार्टी देना पड़ेगा चीज होता है ठीक है होता है बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है कि कॉलेज की तरफ से बहुत सारा फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है लेकिन बहुत सारा फेस्ट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट खुद से ऑर्गेनाइज करते हैं कॉलेज में परमिशन लेके तो वो फेस्ट में भी बहुत सारा पैसा जाता है जैसे फ्रेशर पार्टी हो गया जूनियर को देना ये आई थिंक सीनियर ही देते हैं सारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी हो गया फेयरवेल हो गया सीनियर को फेयरवेल देना जूनियर को फ्रेशर पार्टी देना और फिर कॉलेज का बहुत सारा प्रोग्राम होता है इन सारे में भी खर्चे होते हैं इन सारे में भी खर्चे होते हैं और वीकेंड से कि यार इन सारे में ना आप लोग एक लाख तो खर्च कर ही लोगे ठीक है पूरे पांच साल में एक लाख तो खर्च कर ही लोगे तो ओवरऑल वीकेंड से कि पांच मैंने कैलकुलेट करा कि अगर आप मतलब कॉम्प्रोमाइज करके चलते हो कॉम्प्रोमाइज करके हर जगह आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप पांच लाख में एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर सकते हो और यहीं पर यार देखो ना अगर आप यहीं पे आप प्राइवेट से करते हो तो 50 लाख तो आपको प्राइवेट में पे करना पड़ेगा कॉलेज फी तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए कि पांच लाख में आप एमबीबीएस गवर्नमेंट से कर सकते हो ठीक है ये पांच लाख भी आपको यहां मैक्सिमम रिटर्न हो जाएगा गवर्नमेंट में क्या होता है कि जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते हो तो इंटर्नशिप करने आते हो तो वहां आपको अच्छा खासा स्टाइफेंड पे किया जाता है मतलब ठीक ठाक पॉकेट मनी टाइप का बीस से हजार का स्टाइफेंड जगह मिलता है देखो ये जो इंटर्नशिप में तो अगर आप वन ईयर वहां पे काम करते हो वन ईयर का आपका इंटर्नशिप है तो दो लाख चालीस हजार अगर बीस हजार मिलता है तो दो लाख चालीस हजार आपको रिटर्न भी तो मिल गया पांच लाख आपने एमबीबीएस में इन्वेस्ट करा लाख चालीस हजार यहां से रिटर्न मिल गया तो खर्चा कितना हुआ ज्यादा नहीं हुआ ना एक और चीज मैं बता रहा हूं यहाँ नहीं एक और चीज आप कॉलेज में आने के बाद स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एक स्कॉलरशिप होता है कुछ लोन्स होता है आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है आप एन एस पी में स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप बिहार से हो तो मैं बता रहा हूँ बिहार में स्कॉलरशिप मिलता है एक और चीज़ कि आप जब मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे तो आपके ऊपर आप एक टैग रहेगा कि आपने नीट क्रैक कर रखा है तो आप जिस भी कॉलेज में हो उस कॉलेज के इर्द गिर्द जो भी कोचिंग वगैरह होगा नीट नीट वाले बच्चे के लिए तो उसको आप पढ़ा सकते हो तो वहाँ पर आपको कुछ अर्निंग हो जाएगा तो यार आई थिंक अगर आप चाहोगे ना तो जीरो रुपीज़ में एमबीबीएस कर लोगे मतलब इनिशियल खर्चा होगा पर धीरे धीरे वो मेक आ, मतलब मैनेज भी हो जाएगा ठीक है तो आई थिंक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल वीडियो रहा है ना <laughs> खर्चा मैंने बता दिया ये सब हर जगह खर्चे भी होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं है यार अदर कंपेरिजन में बहुत कम है मेहनत करो और खूब मेहनत करो इतना मेहनत करो जितना कोई नहीं करता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आओ ठीक है प्राउड फील करके पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराओ और खुद भी प्राउड फील करो ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई थिंक ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा कुछ इनफॉर्मेशन आपको मिला होगा और ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहेंगे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना बाय बाय